नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तीसरे दिन लुका छुपी की कमाई में हुई बढ़ोतरी, तोड़ेगी ये रिकॉर्ड। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म लुका छुपी बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है। फिल्म 1 मार्च को सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म सोन चिड़िया के साथ रिलीज हुई है। लुका छुपी का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 8 करोड़ 1 लाख रुपए रहा और दूसरे दिन इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की, जबकि तीसरे दिन इस फिल्म ने लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी कि 3 दिनों और वीकेंड कलेक्शन के तौर पर लुका छुपी लगभग 27 से 28 करोड़ रुपए कमा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की टिकट ऑक्यूपेंसी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ज्यादा है। विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए कयासों के मुताबिक फिल्म तीसरे दिन की कमाई पिछले 2 दिनों के आंकड़ों से बेहतर रहेगी। और ऐसा ही हुआ कि फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि वीकेंड कलेक्शन के तौर पर लगभग 11 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म ने प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी और प्यार का पंचनामा 1 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कार्तिक आर्यन स्टारर इस फिल्म की कहानी लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला लेने वाले कपल के बारे में है, जो कि शुरू में खुद को शादीशुदा दिखाकर फंस जाता है। हालांकि इस वीकेंड पर कार्तिक और कृति सेनन की लुका छुपी के अलावा सोन चिड़िया भी रिलीज हुई थी, जो कि एक अलग जॉनर की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को ज्यादा दर्शक नहीं मिल पाए और इसकी बड़ी वजह लुका छुपी को माना गया, क्योंकि लुका छुपी एक कॉमेडी फिल्म है और दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म में कृति और कार्तिक की जोड़ी दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं और कार्तिक की एक्टिंग को बेहद सराहा जा रहा है। वही कृति की भी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्मी फ्राइडे पर चल गया है लुका छुपी का बॉक्स ऑफिस पर जादू। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।